करीब 110 से भी ज्यादा फिल्मों में ये अपनी एक्टिंग और अनोखे अंदाज से लोगों का दिल जीत चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अक्षय कुमार की जिंदगी का पूरा सफर बताऊंगा। अक्षय का असली नाम जो उनके पिता ने रखा था वो था राजीव हरिओम भाटिया। अक्षय यानी राजीव का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में एक मिलिट्री ऑफिसर के घर हुआ। ये बहुत छोटी सी उम्र से ही स्टेज पे परफॉर्मर और डांसर के नाम से जाने जाते थे। दिल्ली की गलियों में ही बड़े हुए और बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए। जब अक्षय के पिता अक्षय से ये पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो अक्षय हमेशा यही कहते थे कि मैं एक हीरो बनूंगा। इन्होंने अपनी पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल से करी और हायर एजुकेशन गुरु नानक खालसा कॉलेज से करी। लेकिन कॉलेज के एक साल खत्म होने पर ही अक्षय ने अपना कॉलेज छोड़ दिया और बैंकॉक चले गए। अक्षय के पिता ने अक्षय को बैंकॉक भेजने के लिए 18,000 रुपए का लोन लिया था। बैंकॉक में उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा और वहीं पार्ट टाइम वेटर और शेफ की नौकरी भी करी। अक्षय ने अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारे ऐसे काम करे हैं, जैसे एक बार ये दिल्ली से ज्वेलरी ले जाके मुंबई में बेचा करते थे, और जब ये वापस बैंकॉक से मुंबई आए तो उन्होंने बच्चों को मार्शल आर्ट्स की क्लासेस देना शुरू कर दिया। अभी तक इनका एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पर तभी अक्षय के एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट के पिता ने अक्षय को ये सलाह दी कि वो मॉडलिंग की तरफ भी अपना रुख करें, और इसी वजह से उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। अक्षय ने 2 दिन की मॉडलिंग से ही इतने पैसे कमा लिए जितने वो मार्शल आर्ट्स की क्लासेस से पूरे एक महीने में भी नहीं कमा पाते थे। इसी वजह से अक्षय ने मॉडलिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इसके बाद इनका मॉडलिंग करियर अच्छा चलने लगा। लेकिन इस सब के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने राजीव भाटिया को अक्षय कुमार बना दिया। दरअसल अक्षय को बैंगलोर जाना था एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जहां उन्हें अच्छे पैसे मिलने वाले थे। अक्षय को फ्लाइट का टिकट भी भेज दिया गया। फ्लाइट थी सुबह 7 बजे की, पर अक्षय को लगा कि फ्लाइट शाम 7 बजे की है। जब अक्षय इस वजह से समय पर बैंगलोर नहीं पहुंच पाए तो उन्हें अपने सीनियर से काफी डांट पड़ी। इसके बाद अक्षय काफी निराश हो गए। निराश अक्षय उस दिन फिर यूं ही पास ही के नटरा स्टूडियो चले गए, जहां उन्हें डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती मिले। डायरेक्टर ने अक्षय से उनके फोटोज मांगे और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय कह दिया कि मेरी अगली फिल्म के हीरो तुम ही हो। इसी बीच अक्षय ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था आज, पर इसमें अक्षय का रोल सिर्फ 7 सेकंड का था। फिल्म में हीरो का नाम था अक्षय, तो इसी वजह से प्रभावित होकर राजीव हरिओम भाटिया ने भी अपना नाम अक्षय रख लिया। इसके बाद ही राजीव हरिओम भाटिया अक्षय कुमार बन गए और अपनी जिंदगी में खूब मेहनत और लगन से दिन रात काम किया। इसी संदर्भ में एक कवि ने क्या खूब कहा है कि जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, और जिन्हें सपने पूरे करने अच्छे लगते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। अक्षय पहली बार लीड रोल में दिखे सौगंध फिल्म में, जो 1991 में रिलीज हुई थी। इसके बाद तो अक्षय ने एक के बाद एक हिट ब्लॉकबस्टर मूवीज दी, जैसे खिलाड़ी, सैनिक, मोहरा, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और भी कई। कई एक्शन फिल्में करने के बाद जब अक्षय बॉलीवुड के एक बड़े स्टार बन चुके थे तो उन्होंने अपना रुख कॉमेडी की तरफ भी किया, और उन्होंने हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अक्षय ने इसके बाद भी इतनी फिल्मों में काम किया है कि अगर मैं आपको बताने बैठा तो शायद शाम हो जाएगी। अक्षय कुमार को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है। अक्षय के लिए सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी और बायोग्राफीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहूंगा।